नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर फुल एडवांस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईएमआई लोन की कैलकुलेशन कैसे निकालें। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनाई हुई हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईएमआई लोन की कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करिए और यहाँ पर टाइप करिए एक्सेल, देन एंटर की प्रेस करिए, एक्सेल आपके सामने ऑन हो जाएगा। ईएमआई लोन की कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए, जो मैं आपके सामने बना लेता हूँ। मैंने यहाँ टाइप किया ईएमआई, यहाँ पर मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ ईयर, ड्यूरेशन ऑफ मंथ, एनुअल इंटरेस्ट रेट, मंथली इंटरेस्ट रेट एंड ईएमआई। फॉर्मेट आपके सामने तैयार हो गया, इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा बॉर्डर लगा देता हूँ, इस पर बोल्ड कर देता हूँ इसको। फॉर्मेट मैंने मेंशन किया है नेम, यानी जो लोन ले रहा है, जो सामान ले रहा है उनका नाम, और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या सामान ले रहे हैं वो, किसकी ईएमआई बनवाना चाहते हैं वो, उनका सामान का अमाउंट हो गया, ड्यूरेशन ऑफ ईयर कितने साल की ईएमआई बनवाना चाहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मंथ कितनी महीने की ईएमआई बनेगी, और एनुअल इंटरेस्ट रेट सालाना ब्याज कितने परसेंट का है, मंथली इंटरेस्ट रेट यानी मंथली जो इंटरेस्ट होगा वो कितने परसेंट का होगा, और ईएमआई हमारी मंथली कितनी बनेगी। तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया, अब मैं इसमें एंट्री भरता हूँ। देखिए, जैसे नेम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया दीपक, नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे ये मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं एक, उस मोबाइल फ़ोन की कीमत 25,000 रुपये है। ड्यूरेशन ऑफ ईयर में ये कितने साल की ईएमआई बनवाना चाहते हैं वो इसमें हमें फिलअप करना है। मान लीजिए एक साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो मैंने 1 भर दिया यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ ईयर, एक साल में महीने कितने होंगे वो इसमें हमें भरना है, तो यहाँ पे टाइप करना है आपको इक्वल टू, और जो भी ड्यूरेशन ऑफ ईयर होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और इन टू, और यहाँ पर 12। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए उनको 5 साल के लिए किस्त बनवाना था तो अपने आप जो मंथ मंथ वाली जो कैलकुलेशन है वो अपने आप हो जाएगी, अगर 4 साल के लिए बनवाना है तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी। फिलहाल हमें 1 साल के लिए बनवाना है तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया तो अपने आप कैलकुलेशन इसकी हो गई। एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी जो सालाना ब्याज है वो कितने परसेंट का है जो कंपनी इनके ऊपर लगा रही है, मान लीजिए कंपनी इन पर 13% लगा रही है तो मैंने यहाँ पे 13 फिलअप करके परसेंटेज का साइन दे के देन एंटर की प्रेस कर दिया। तो ये 13% तो साल का हो गया, यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 13% का है, तो महीने का कितना होगा, तो इक्वल टू लिखना है आपको, एनुअल इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करना है आपको, डिवाइडेड करना है आपको 12 से, तो ये नंबर में आएगा। आप इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पे जाना है आपको, पॉइंट मिलेगी आपको, और यहाँ से फॉर्मेट इसका परसेंटेज रखना है आपको यहाँ पे। अब हमें ईएमआई निकालनी है, यानी मंथली जो ईएमआई बनेगी वो कितने रुपए की बनेगी, तो इसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू PMT, देन एक ब्रैकेट बनाना है, फिर मंथली इंटरेस्ट रेट सिंगल कॉमा, ड्यूरेशन ऑफ मंथ सिंगल कॉमा, एंड अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, देन एंटर की प्रेस करना है। तो कैलकुलेशन जो निकल के आएगा आपके सामने ये डॉलर के सिंबल में आ रहा है, अगर इसको आप इंडियन रुपीज़ में करना चाहते हैं तो आपको जाना है यहाँ पे करेंसी के नीचे, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना है आपको, हमें कौन से फॉर्मेट में करना है, इंडियन के फॉर्मेट करना है, इंडियन रुपीस के फॉर्मेट में करना है, तो सिंबल के सामने आपको यहाँ पे डॉलर दिखेगा, तो इसके पॉइंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इंडियन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो रुपीस का सिंबल बना होगा, और यहाँ पे ओके की प्रेस करना है, तो ये आपका इंडियन रुपीस में आ गया। तो जो मंथली ईएमआई बन रही है वो बन रही है हमारी 2,232 रुपये 93 पैसे। तो अगर ये 25,000 रुपये का फ़ोन लेते हैं, एक साल की किस्त बनाना चाहते हैं, तो एक साल में अगर 12 महीने हैं एक साल के अंदर,
जो सालाना ब्याज है वो 13% का है, महीने का 1.08 हो गया। तो इनको हर मंथ 2,232 रुपये 93 पैसे देने हैं 12 महीने तक, फिर इनका लोन क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2,232 रुपये 93 पैसे की जगह पे अगर ये ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे तो इनका लोन जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर ये और कम अमाउंट पे करना चाहते हैं तो इनकी लोन की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 2,232 रुपये और 93 पैसे की जगह पे ये 1,200 रुपये पेमेंट करना चाहते हैं पर मंथ, तो ईएमआई की जो ड्यूरेशन होगी वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो कितना बढ़ जाएगी, हमें इस चीज़ का कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए आपको गोल सिक फंक्शन का यूज करना है, जो डाटा मेन्यू के अंदर वर्टिफ एनालिसिस के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गोल सिक क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जो भी ईएमआई निकल के आई है उस सेल को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा मेन्यू में जाना है। डेटा मेन्यू के अंदर आपको वर्टिफ एनालिसिस मिलेगा, इस पर पॉइंट मिलेगी आपको नीचे, इस पर क्लिक करना है। गोल सिक के बारे में, गोल सिक में जाना है आपको। जैसे ही आपने गोल सिक में क्लिक किया, यहाँ पे गोल सिक का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया गया, जिसमें तीन ऑप्शन आ रहा है। सेट सेल, सेट सेल में वो सेल जिसमें हमें चेंजमेंट करनी है। टू वैल्यू में हम वैल्यू कितनी चाहते हैं, मान लीजिए हमें 1200 पेमेंट करनी है, तो एक ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे 1200 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में हमें बदलाव करना है, तो हमें अमाउंट में बदलाव नहीं करना। अमाउंट तो हमें 25,000 तक, 25,000 का ही चाहिए, यानी 25,000 का ही मोबाइल चाहिए। हम बदलाव करेंगे ईयर में, तो जब हम ईयर में बदलाव करेंगे यहाँ पे और ओके बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे गोल सिक ने सोल्यूशन मैच कर लिया। अब आपकी जो मंथली ईएमआई हो गई वो 1200 रुपये की हो गई, और जो ड्यूरेशन बढ़ गया वो, तो इसको हम यहाँ पे राउंड फिगर में ले लेते हैं। अब जो इनको लोन पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है लगभग 23 महीने, यानी राउंड फिगर में बात की जाए तो इनको जो लोन पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 24 महीने, यानी टोटल 24 महीने पेमेंट करनी है। तो अब इनकी जो टोटल अमाउंट पेमेंट करेंगे ये इज इक्वल टू 1200 × 24 महीने, तो इनकी जो फ़ोन की कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 28,800 रुपये, और जो फ़ोन की कीमत थी, जो पहले कीमत थी वो थी 25,000 रुपये। तब इनको जो टोटल अमाउंट पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 28,800 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से आप ईएमआई लोन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आगे कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।